आप अगर बिग बॉस 13 बारीकी से देख रहे होंगे तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए उनका रोक टप करना एकदम बंद कर दिया गया है। ठीक से बात कर रहा हूं, क्या तेरे से गंदे से बात किया, क्या गंदे से बात किया मैंने तेरे से? जी हाँ, लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला ही बिग बॉस 13 का फेस है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमें क्यों लग रहा है ऐसा कि बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ पार्शियल हो रहे हैं, बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लाइव में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। सबसे पहले बताते हैं कि क्या हो रहा है। घर में आप देख पा रहे होंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला घर में अकेले एक लौता इंसान है जिनके साथ घर में सभी का ही फाइट, रोक जोक या फिर तानाशाही होता रहता है। प्रॉब्लम क्या है? लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है भाई। हां मुझे दिखता है वो। हां ठीक है, सॉल्व करेगा। बिग बॉस में एक कोई अकेला इंसान नहीं है जिनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला का अभी तक झगड़ा नहीं हुआ हो। ऐसे बहुत कम सीजन में देखा गया है कि घर का कोई एक सिंगल मेंबर के साथ घर के सभी मेंबर्स का झगड़ा हो रहा है। आप कहेंगे आसिम या आरती के साथ तो सिद्धार्थ शुक्ला का झगड़ा नहीं होता है। जी नहीं दोस्तों, आप देखेंगे कि कभी कभार आरती और असीम पे भी चढ़ जाते हैं और कहते हैं मैं अकेला खेलूंगा, मैं सोलो खेलूंगा। इसको लेकर आरती भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बहुत दिन तक बातें नहीं कर रहा था और आसिम करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहा जाए, सिद्धार्थ शुक्ला के छत्रछाया में रहेगा तो वो जानते हैं वो बहुत दूर तक या फिर कुछ दूर तक बिग बॉस में जा सकेगा, नहीं तो कुछ दिनों में उसका जर्नी खत्म। और वहां पर जो एंटी है उन लोगों का, माहिरा, रश्मि, देवोलीना या फिर पारस, सबके साथ ही झगड़ा चलता ही रहता है। साथ में तो सना है ही, सना तो स्विचिंग गेम खेल रहा है, कभी सिद्धार्थ के साथ कभी सिद्धार्थ के खिलाफ। तो बिग बॉस कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को छोड़ के और सभी को डांट रहे होते हैं। इस बार आपने देखे है कि माहिरा को कितने बुरी तरीके से डांटा बिग बॉस वालों ने सलमान खान के जरिए। मुझे तो ऐसा लगा ही था कि ये हिंसा था, टास्क में हिंसा पहले कभी नहीं देखा मैंने, इस बार ही देख रहे हैं और ये हिंसा हर बार सिद्धार्थ शुक्ला की ओर से आ रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ बोले या फिर बोल के भी जीत जाए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आसिम भी चिल्लम चिल्ली कर लेता है और वहां पर बहुत बुरा लगता है दिखने में। रश्मि, देवोलेना, पारस, माहिरा या फिर सना कभी उनके खिलाफ जीत नहीं पा रहे थे। अभी जब नया एंट्री हुआ है बिग बॉस में 6 नए सदस्यों का, उनमें आरहान और हमारे भोजपुरी बाबू ट्राई किए थे कि सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ खड़े हो, लेकिन आरहान को भी सिद्धार्थ ने दबा के रख दिया। तो अभी घर में ऐसा हो गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ कोई भी बोले तो उसे दबा दिया जा रहा है सलमान खान के द्वारा। अब एक व्यक्ति था जो कि है तहसीन, वो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ डटकर खड़े हुए थे लेकिन पहले ही हफ्ते में उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। और बिग बॉस का कहना है सलमान खान के द्वारा कि सिद्धार्थ शुक्ला अकेले घर में कंटेंट प्रोवाइडर है। जी हाँ, पीपल चॉइस में बिग बॉस पिछले हफ्ते से एक नंबर पे है और वहाँ पर टीआरपी के हिसाब से भी बिग बॉस अभी 3 नंबर पे चलाया है जो कि पिछले हफ्ते 7 नंबर पे था और धीरे धीरे आगे जा रहा है और हम बता ही सकते हैं कि नेक्स्ट वीक बिग बॉस टीआरपी की हैसियत से 1 नंबर पे आ जाएगा। तो बिग बॉस अपना लॉस क्यों करे? तो दोस्तों आप किसके सपोर्ट करते हो, बिग बॉस शो का, दूसरे कॉन्टेस्टेंट का या सिद्धार्थ शुक्ला का? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों और ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।